बोलो का ना श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रिशियन का मतलब इलेक्ट्रिशियन का सामान रखा हुआ है इस बैग में, और बाबू को चढ़ाए हैं ऊपर। तो अलमारी खोलनी पड़ती है जब भी ऊपर का सामान निकालना पड़ता है। तो इसमें इलेक्ट्रिशियन का सारा सामान रखा हुआ है। मैं निकाल रही हूँ कील, आज मैं कुछ नया करने वाली हूँ। मैं लगाने वाली हूँ पूरे फ़ोटो, और पूरे फ़ोटो से सजाने वाली हूँ। जो हमारी दीवार की फ़ोटो है ना, तो वो हमने लगाई नहीं थी, बहुत दिन हो गए थे, आज लगा रहे हैं। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो आज का दिन शुरू हो रहा है दोपहर से। तो आज मैं सुबह का काम पूरा हो चुका है, और अभी मैं लगाने वाली हूँ पूरे घर में फोटोज जो कि दीवारों पे होते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फोटो कहाँ लगाऊं। वैसे अभी मैंने सोचा नहीं है, और जितनी भी फोटो होती है ना घर की, वो सारी अभी वैसी की वैसी ही है। क्योंकि जब हमने शिफ्ट किया था, उसके बाद मैंने सोचा था कि बाद में करूंगी, बाद में लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी, लेकिन लगा नहीं पाई। उसके बाद जो जनवरी की ठंड पड़ी ना, तो मेरे को हो जाता है ठंड का फोबिया, और मेरा कोई भी ऐसा काम करने का मन नहीं करता है कि जो एक्स्ट्रा काम होता है। वैसे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा ठंड कम हो जाए तो मैं तसल्ली बख्श इन सब फोटो को लगाऊंगी। तो आज मैंने सोचा है कि हाँ, और मैंने ये सोचा था कि थोड़ा सा ना बहुत अच्छे से और बढ़िया से मैं घर को फोटो से वो करूँ, मतलब यहाँ हिसाब से लगाऊँ मैं। क्योंकि पहले वाले घर में ऐसा होता था कि कोई भी फोटो कहीं पे भी लगा दी तो वो चल जाता था, लेकिन अब सोच समझ के मैं फोटो लगाऊंगी। और घर की जो डेकोरेशन की चीजें हैं वो मैं अभी नहीं ला रही हूँ, अभी नहीं ऑर्डर करूंगी, चाहे मैं मार्केट जाऊँ चाहे मैं ऑर्डर करूंगी, लेकिन अभी बिल्कुल भी एक भी चीज नहीं मंगा रही। सारे घर के जितने भी फोटो है ना, ये सब यहाँ पे रखी हुई है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको पहले निकालते हैं। वैसे मैंने फोटो जो है ना वो बहुत अच्छे से इंतजाम करके रखे हैं, तो इनको पहले यहाँ पे रखेंगे। देखो मैंने बिस्तरे का ना तय भी नहीं किया है अभी, तो बिस्तरे के अंदर बैठ, हाँ ये नहीं सुबह तय कर दी थी, लेकिन राघव ने फिर से वो खोल दिया। कोई बात नहीं, अब ऐसे ही रहने देती हूँ, अभी थोड़ा सा आराम करने का भी टाइम हो गया, तो कहीं काना को नींद ना आ जाए और फिर से वो खोलने पड़ेंगे, तो इसीलिए। और इसके अंदर मैंने रखे थे, तो ये सारी फोटो हैं जो कि मुझे लगानी है, और ये बच्चों की है, ये देखिए, ये बाबू की फोटो है, जिस दिन ये हुई थी उसी दिन की फोटो है रिद्धिमा की, ये बड़ी बड़ी है। हाँ जिस दिन हुई थी, ये हुई थी 12 बजे के टाइम पे हुई थी ये, और शाम के 5 बजे इसकी फोटो खींच ली थी फोटोग्राफर ने। और ये इसके पापा की फोटो है जब जलंधर रहते थे ना, हाँ जब जलंधर रहते थे पापा। और ये तब की है जब काना होने वाला था, ये देखिए काना होने वाला था, और ये 4 साल की थी, 3 साल की थी बाबू पेट में था तब, हाँ 3 साल 2-3 महीने, और 3 साल 2-3 महीने की थी ये। और कितनी सुंदर लग रही है, मतलब ग्लो मार रहा है ग्लो मार रहा है, बहुत कमजोर हुई थी मैं। और ये दो सेम फोटो है, अरे ये वाली फोटो, हाँ ये दो है ना, तो ये मैं जब ये 6 महीने की थी, और इसका अनपरासन होने वाला था शायद, तब की है ये, मैं तब ऐसी थी और ये है बाबू, ये नर्सरी में पढ़ती थी, हाँ, ये देखिए मुझे याद है ये वाला टाइम, ये नर्सरी में पढ़ती थी तब है ना, तो ये राधा रानी बनी थी। और ये तो बाहर लगाना है, इस पे नाम है पापा का, और ये हमने लिया था, और ये नगर से, ये भी फोटो है। तो ये सब मुझे अभी लगाने हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कुछ फोटो तो ना हम वो कर दें। और ये देखिए, ये ना काना जब 6 महीने का था तो मैंने इसको काना बनाया था, तो ये तब की फोटो है। और ये मेरी शादी की फोटो है, तो ये देखिए, ये मेरी शादी के दिन की फोटो है, जब मैं जयमाला के लिए तैयार हो रही थी हो गई थी मतलब, तो जो पोज लेने आते हैं ना फोटोग्राफर भैया, तो ये उस दिन की है तब उस समय खिंचाई थी। और ये पापा की है, और ये पापा की फोटो है, ये देखिए पापा की हल्दी नहीं उतरी थी, इतना रगड़ दिया था पापा को हल्दी से तो ये दूल्हे राजा बैठे हैं जयमाला के लिए तैयार, तो गिफ्टेड बाय, और ये मेरी दीदी लाई है परसों गृह प्रवेश के गिफ्ट, गृह प्रवेश का गिफ्ट है ये, तो इसको भी मैं लगाने वाली हूँ। तो कहाँ लगाऊंगी मैं, ड्राइंग रूम में लगाऊं या अपने रूम में लगाऊं, इसे बेडरूम। और ये है बुद्धा जी, तो ये शांति के प्रतीक होते हैं। सबसे पहले ना इन फोटो को साफ करते हैं, वैसे मैंने एकदम क्लीन कर रखे हैं, लेकिन लगाने से पहले ना एक बार फिर से इनको साफ कर देते हैं। और मैं थी ड्रिल मशीन मंगाने के चक्कर में, लेकिन नहीं मंगा पाई, और कुछ फोटोज इधर हैं,
तो ये राधा कृष्ण की फोटो है, ये मेरी देवरानी ने गिफ्ट की थी बाबू को, ये बड़ी वाली। तो इसको ना ऊपर अपने आप से लगाने में, मतलब खुद से लगाऊं मुझे डर लगता है कि कहीं नीचे गिर जाए और डैमेज ना हो जाए, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली फोटो भी। नहीं मुड़ी नहीं है इसका ना, वही ऐसा है, ये उस दिन भी वैसा ही था, लेकिन ये सीधा हो जाएगा अगर हम दीवार पे लगाएंगे। तो डर के मारे मैं इस फोटो को ना दीवार पे नहीं लगाती हूँ। हाँ थोड़ा सा तो वो ऐसे सीधी रखी थी ना, तो हो जाएगी सीधा। और ये वाले जो हमने बनाया था चार धाम का, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो इसको भी हम लगाएंगे, इसको लगवाएंगे, इसको तो वो भैया ही लगाएंगे, इलेक्ट्रिशियन भैया बुलाएंगे कभी उसको। लेकिन इन फोटोज को ना मैं लगाने वाली हूँ अभी। ये सारी कीले जो अभी हमने ऊपर से निकाल ली है, जो बैग बनाया हुआ था, इन फोटो को एक बार साफ कर देती हूँ मैं, है ना, धूल वूल, हाँ धूल साफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और मम्मी ने साफा बांधा हुआ है, ठंडियों में काम करने का मजा ही कुछ और है, लेकिन मेरा जो भेषभूषा होता है ना वो इस तरीके का होता है, वो सबका ही रहता है मम्मी ऐसे मतलब थोड़ी एनर्जी लो हो जाती है मेरी। और अंदर बिस्तरे के अंदर जाओ ना तो फिर, तो बिस्तरे के अंदर जाके तो फिर बिस्तरे के अंदर ही बैठा जाता है ना ऐसा लगता है, इसलिए काम धाम पे लगे रहना चाहिए, वो सही रहता है। हाँ जी, तो अभी हमने देख लिया कि मम्मी पापा की जो फोटो है वो कहाँ लगानी है, और यहाँ पे हमने पेंसिल से निकाला, तो इसको टेढ़ा मेढ़ा करके करना पड़ेगा क्योंकि कील थोड़ी बड़ी है ना। पूरे मार्केट में ना झंडे ही झंडे, भगवा झंडे, पूरा भगवामय हो गया हमारा मार्केट, पूरी दिल्ली शायद मुझे लग रहा है भगवा में रंग गई है। सबसे पहले झंडे का प्राइस पूछते हैं, झंडा कितने का दे रहे हैं अंकल जी? ये देखिए हमारा पूरा मार्केट सज गया। हम दूसरे मार्केट में, और ये मार्केट उस मार्केट से भी बहुत ज़्यादा ही राममय हो रखा है। ये देखो वहाँ से लेके यहाँ तक क्या झंडे लगे हुए हैं। यहाँ हम दूसरे मार्केट में आ गए, और यहाँ पर भी ना खूब झंडे ही झंडे हैं। हाँ का सामान लेते हैं तो यहाँ पर से लेते हैं, और फूल की जो माला है ना वो अभी नहीं लेंगे, है ना, तो यहाँ से लेंगे झंडे। ध्यान इन वाले झंडे में गया, ये वाले झंडे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। श्री राम जी और उनके साथ हमारी प्यारी प्रभु श्री राम जी का मंदिर, और जय श्री राम लिखा हुआ है। तो अभी हम ये वाला झंडा देखते हैं, ले लिया है, और तो अभी दिए ले लेते हैं, 51 दिए ले लेते हैं ना, हम दोनों दो झंडे लेते हैं अपनी शॉपिंग कर। तो यहाँ पर ये देखिए ये झंडे लहरा रहे हैं राम भक्त, इनको कल लगाएंगे, अब ये भी लाए हैं, तो एक उस बालकनी में और एक इस बालकनी में, है ना। ये देखो ये इसमें ना भगवान जी रामचंद्र जी है, प्रभु श्री राम जी, और मंदिर भी है साथ में, उसमें मंदिर भी है, हनुमान जी भी है, और इसमें हमारे बजरंगबली जी हैं, और हमारे रामचंद्र जी भी है ना। अरे नीचे मत, अच्छा लग रहा है, सीधा सीधा, हाँ अरे मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा है ये है 51 दिए, कल इनको पानी में डालेंगे 51 दियों को ना, ये फिर ये दिए जलाएंगे, 51 दिए ले, ये मैंने मम्मी को याद दिलाया तब एकदम से मम्मी ने ले लिया, और है हमारे पास ना ये राम दरबार है हमारे पास, लेकिन फिर लिया मैं, अभी मूर्ति लाएंगे हम जब अयोध्या जी जाएंगे। और ये है कपूर, अयोध्या जी से तो मूर्ति लाएंगे हम, ये कपूर है, ये दिए जलाने के लिए तिल का तेल है, दिए जलाने के लिए बाती, और ये बाती है, और ये दो धूप है, धूप खत्म हो गया था, ये बहुत जलाते हैं धूप, बहुत ज्यादा ये गीला धूप नहीं है, गीला धूप है नहीं है, गीला धूप है, दिखाओ दिखाओ, गीला नहीं है, इसको ना यूज करती हूँ, दिखाओ तो कैसा गीला धूप है, गीला धूप है, लेकिन धूप ना ये सारा सारा जला देते हैं ये लोग, चार दिन नहीं जलाते धूप को, धूप थोड़ा सा जलाना चाहिए, कि धूप मम्मी मुझसे ही पूछ के लेती है और पापा ने, क्योंकि इनको पता है ये मेरी इस बिगड़ेल के लिए, ये कह रहा मम्मी कोई फ्रूट नहीं है, तो कोई फ्रूट मेरी समझ नहीं आया ये दोनों के दोनों मेरे मम्मी पापा यहाँ पे फोटोज लगा रहे हैं, ठीक है। अब कील कल छोटी पड़ गई थी, और कल सैटरडे था तो लोहा नहीं खरीदे, तो हम कील भी नहीं लाए, आज वही पुरानी कीलों से हम इस वाले रूम में जो बड़ी बड़ी फोटोज लगानी है जिन पे वो कील काम आ जाएगी वो लगा रहे हैं। कभी कील वहां भूल जा रहे पापा, कभी मम्मी जिससे कील को अंदर डाल रही है मतलब जो वो होता है सिलवटा वो भूल जा रहे कभी कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये दोनों क्या कर रहे हैं, वो लैंप पता नहीं क्यों जला रखा है। गाइस देखो मेरी बच्चे।
बहुत ज्यादा खुल जाएंगे राम। 14 अप्रैल 14 जनवरी 12 दिसंबर 14 जनवरी नोट के लिए क्या है? है 11 जनवरी सॉरी 21 जनवरी और 11 जनवरी और हम चारों के चारों ना छत पे फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नीचे ताला मार के आ गई हूँ और कुर्सी ले आई हूँ, इन दोनों के लिए डाइस लेके आ गई हूँ। मम्मी यहाँ पे खा रही है दही और चीनी क्योंकि ना उन्होंने मिर्ची खाई थी। मैं भी आता हूँ। दे दे चाबी दे। मैं भी एक सेकंड। नहीं दे। चीनी खा रही हूँ मैं, बहुत अच्छा हो रहा है। दे ना मुझे कुछ गाजर रहना है। दे ना, ये खोल नहीं पाएगा, मैं नहीं जाऊंगी नीचे। तो अभी हम चारों के चारों सारी चीजें लेके नीचे आ गए हैं। राघव और मम्मी ना दही खा रहे थे ऊपर, तो वो कटोरी और चम्मच भी लेके आ गए हैं और कुर्सी दोनों डाइस मैं और पापा ले आया और एक मम्मी ला रही है और राघव फिर से ऊपर भाग गया। और अभी मम्मी पापा राघव जा रहे हैं कहीं घूमने, घूमने नहीं मतलब ऐसे ही काम से, और मैं घर पे ही रहूंगी, है ना डैडी? 5 मिनट का काम है बस इनका। कहा हम जा रहे हैं मेरे साइन करने के लिए, जहाँ पर कि हमारा विनोद नगर वाला मकान था ना, तो उसके साइन करने रह गए थे, तो हम वहाँ जा रहे हैं। क्यों? वो हमारा है हमारा, हाँ वहाँ हमने नया मकान ले लिया। नहीं हमारा ही था। ऐसा कुछ नहीं है, बस साइन करने रह गए थे, तो वहाँ जा रहे हैं साइन करने के लिए कोर्ट में। हम निकल चुके हैं बाहर और वो लोग पहुँच गए हैं, यानी कि मतलब उन दीदी को और मुझे करने हैं साइन पेपरों में। तो मैंने बांध लिया है ये अपना उत्तराखंडी, क्या बोलते हैं इसको, साफा बालों पे, ताकि ठंड ना लगे। आ गए हैं अपना काम बना के, गए हैं पूरे मार्केट में। कितना सुंदर सजाए मार्केट देखो झंडों से। रही हूँ कूड़ा उठाने वाला, कितने का ये? 70 रुपये 70। दूसरा है क्या देना? यही ठीक है, ये दे दो। उठाने में आसानी रहेगा। ठीक। यहाँ पर ना साइन लगाते समय बहुत सारे जगह पे अंगूठा भी लगाना था और 4 उंगलियों के निशान भी लगाने थे, तो आज तो ये ना काले हो गए हैं हाथ। आज ध्यानी जी पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे। अभी जा रहे हैं हम सीसा वाले के पास, और संडे को ही होता है टाइम। अभी जा रहे हैं सीसा वाले के पास क्योंकि हमें जो किचन का सीसा है वो कराना है चेंज। कोई सोसाइटी नहीं है कि जो भगवा मैया नहीं हो रखी होगी। ये देखिए रामचंद्र जी की कितनी सुंदर तस्वीर लगा रखी है, रामचंद्र जी और सीता मैया की। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, ये सब भगवा कलर के पतंगे देखने को मिल रही हैं, तो हमें जाना है ये वाली गुरुद्वारा वाली गली में। ये है गुरुद्वारा हमारे एरिए का। दोनों के दोनों पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे।